सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा बच्चों हम समझेंगे हाइड्रोनियम आयन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोनियम आयन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है H3O पॉजिटिव। दूसरा आपको बताना चाहिए हाइड्रोनियम आयन आपको बनता कैसे। तो आपका बच्चों बनता है H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल के मिलने से, यानी H पॉजिटिव और H2 मिलकर आपका क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझना चाहते हो ना इसका अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपने वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, LH2 डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, तो हाइड्रोनियम आयन का तो एकदम से आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं कैसे। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, तो बस आपको स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने सेंट्रल एटम के। भाई सी और बी है यहाँ पे आपका क्या, सी ए का मतलब सेंट्रल एटम, बी ए का मतलब बाउंड्री एटम। अब सेंट्रल एटम और बाउंड्री एटम आपके होते क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम ज्यादा होते हैं ना, वो होते हैं आपके बाउंड्री एटम, और जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होते हैं आपके सेंट्रल एटम। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिर्फ एक एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के यहाँ पे दो एटम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपका क्या हो गया, बाउंड्री एटम हो गया, जो ज्यादा बाउंड्री एटम, और जो आपका कम वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। देखो कितना इजी था। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है हमारा, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2.6। बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 6, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसके बाद यहाँ पे अपना ऑक्सीजन लिख लो, बिल्कुल आराम से लिख लिया आपने। अब इसके बाद क्या करो भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या क्रॉस के फॉर्म में दिखाते हैं। तो बार बार सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1, 2 ऐसे बनाने आपको, 3, 4, 5, 6 ऐसे तरीके से बना लो। इसके बाद आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने बाउंड्री एटम के। बाउंड्री एटम हमारा कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप इसके बाद क्या करो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी भाई। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही यहाँ पे आ जाएगा बाहर वाली शेल, बस ये इसकी। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस एक ही है। तो यहाँ पे क्या करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो भाई, 2 है ना यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें वाटर के अंदर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो और एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे लिख लो। इसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक क्रॉस या एक डॉट कुछ बना सकते हैं आप, ऐसे बना लिया आपने, इतना काम आपने रेडी कर लिया। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है आपको दोनों एटम की, ईच एटम मतलब सेंट्रल एटम की भी और बाउंड्री एटम की। कोवेलेंसी होती क्या बच्चों, जितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम बनाता है ना, उसका हम क्या बोलते हैं, इसकी कोवेलेंसी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, कोवेलेंसी यहाँ पे कैसे डिसाइड होगी, आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसे बाहर वाली सेल में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट पूरा करता है नहीं। तो इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो क्या शेयर करेगा भाई, ये तो इसका अपना है, ये ऐसे शेयर कर लेगा। और शेयरिंग का मतलब आप जानते हो भाई, जो चीज़ शेयरिंग रहती है ना, उसे दोनों अपना मान के चलते हैं। शेयरिंग का मतलब ये होता है, जो मेरा वो तेरा और जो तेरा वो मेरा। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए भाई, ये तो इसका अपना था, ये इसने शेयर कर लिया, 1, 2 स्टेबल हो गया, खुश हो गया, बिल्कुल मजा आ गया इसका, ऐसे ही वाला बना लेगा इधर, ये भी स्टेबल हो गया। अब आपको पता है भाई, ऑक्सीजन का जाओ, ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि भाई 6 तो ऑलरेडी बाहर वाली सेल में होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 2 और चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन का काम भी हो गया, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए इसने, बना तो लिए। जब हाइड्रोजन ने बनाया, इस टाइम ऑक्सीजन ने भी तो बना लिया, इस टाइम देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन गए, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में आप देख सकते हो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो इसके अपने, एक इसने इधर शेयर किया 7, एक इधर से 8, तो सब बिल्कुल कंप्लीट हो गया अभी तक। अब इसके बाद यहाँ से हमारा गेम शुरू होगा। अभी तक आपका क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल का बना है अभी तक, कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे आएगा गेम में आपका H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को आपको ध्यान समझना है, H पॉजिटिव का मतलब क्या है, आप सब जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसके पास प्रोटॉन होता है। लेकिन H पॉजिटिव का मतलब क्या, H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया, यानी खत्म हो गई, इसके कारण इसके पास कुछ नहीं है भाई, एक इलेक्ट्रॉन था वो इसे लूज कर दे, तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है, क्योंकि इसका पास अब इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी, प्रोटॉन की, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऊपर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो कोई चार्ज नहीं था, तो ये यानी H पॉजिटिव, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0, खत्म है कहानी। और इसको स्टेबल होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेगा, इसके पास कुछ नहीं, कहानी खत्म है इसकी। तो अब देखो H पॉजिटिव अपना आराम से यहाँ पे लिख लो, अब आ गया H पॉजिटिव आपका गेम में, इसके पास कुछ नहीं है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं बनाएगा, बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक और शेयर करते हैं दोनों। अब ये क्या करेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, अभी किस पे लाइन मारेगा, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये मारेगा ऑक्सीजन पे लाइन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नीचे, इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर, यानी बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो देखो इसके पास अभी 2 लोन पेयर, एक पेयर एरा, एक पेयर एरा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ऑक्सीजन तो बाहर नहीं निकल सकता ऑक्टेट से, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास फालतू, इसके साथ शेयर कर लेगा, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। देखो यानी अपना इलेक्ट्रॉन का इसका बेचारे का काम हो जाएगा, पर इसके पास तो एक्स्ट्रा है, इसके साथ भी शेयर कर लेगा, इसका मजा आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन भी इन्हें अपने मान के चलेगा, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1, 2, तो ये भी खुश हो गया। और देखो ऑक्सीजन के पास अभी कितने, 1, 2, 3, 4,
पांच छह सात आठ ऑक्सीजन के पास भी पूरे, यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन है फिर इसे डोनेट कर दिया। डोनेट का मतलब ऐसे नहीं रखने के लिए दे दिया, इसके साथ शेयर करवा दे। अब इसे हाइड्रोजन भी अपना मान के चलेगा और ऑक्सीजन का तो यही, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट मोड। ये स्पेशल टाइप का कोवेलेंट मोड होता है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसके यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के और शेयर कर रहे हैं दोनों। तो इतना आपने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझा। इसके बाद आप इसे कैसे बना सकते हो, इसका स्ट्रक्चर सिंपल बनाए। ओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई सिंगल बॉन्ड, इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अभी बचा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे एक आपका आ गया एच। इसे हम दिखाएंगे ऐसे कोऑर्डिनेट मोड कैसे दिखाते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं इधर डोनेट कर रखा है इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके। अब यहाँ पे ध्यान समझना, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज पता है किसमें होता है, हाइड्रोनियम आयन में, यानी किस एलिमेंट पर होता है, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन के ऊपर होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बनाया ना तीसरे वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तो यूज दोनों कर रहे थे भाई, यूज कर तो ये बेचारा थोड़ा कर्जे में नहीं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहा है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज अब किसके ऊपर होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपका हाइड्रोनियम आयन यहाँ तक बन गया, यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। इसके बाद बच्चों जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज्यादा जो पूछी जाती है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड पेयर। भाई इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड पेयर होता क्या है। तो बॉन्ड पेयर बच्चों इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं आप ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करें, तो एक पेयर रहा, एक पेयर रहा, एक पेयर रहा, ध्यान से देख लो ये भी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर हो गए। अब हम बात करेंगे लोन पेयर के। लोन पेयर बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का देखो जो कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री खाली बैठा है, तो लोन पेयर यहाँ पे एक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कोवेलेंसी, ऑक्सीजन कोवेलेंसी अगर आपसे कोई पूछे ना हाइड्रोनियम आयन के अंदर, तो आपको बताने तीन कोवेलेंसी होती है क्या बच्चों, एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंसी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन ने दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे भाई, एक ए एक ए इसमें बराबर एक शेयर, लेकिन ये बच्चों एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन है स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक के शेयर दोनों करे, तो आपको याद रखना है कोवेलेंसी तीन होती है। इसके बाद बात हम करते हैं शेप की, एक्जैक्ट शेप क्या होती है। वैसे तो हमने ऐसे बना रखा है एक्जैक्ट शेप होती है बच्चों इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, यानी ये कैसी शेप होती है मैं आपको ध्यान समझाता हूँ। अगर आप इसे देखोगे बिल्कुल तो आपने देखा ट्राइपोड, ट्राइपोड जैसा है बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसको बोलते हैं वेज लाइन, ये वेज लाइन आपको क्या दिखा रही है, यानी बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ये डैश डैश लाइन ये क्या दिखा रही है बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और ये सिंपल लाइन क्या दिखा रही है बॉन्ड आपको प्लेन के ऊपर, यानी बिल्कुल ट्राइपोड जैसा है, पिरामिड देखा आपने टापू ऐसा जैसा है, और ये आपका लोन पेयर हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है यानी सभी बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 133 डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकाल लेंगे, ऑक्सीजन की निकाल लेंगे, अब आपको याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से। तो सेंट्रल मेटल की क्या होती है, सॉरी सेंट्रल एटम की आती है हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या देखना, बस आपको निकालना है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर आपका किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो ऑक्सीजन के पास, और आपको याद रखना है सेंट्रल एटम के पास कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के पास ये देखो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो देखो भाई कितने यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो यानी तीन प्लस एक, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ओवरऑल स्टेरिक नंबर आ गया चार। अब आप इसे यहाँ पे भर दो उठा के एक दो तीन चार जितना उतना भर दो, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकल गई, एक तो एस यूज हुआ है, एक दो तीन, तीन पी यूज है तो एस पी थ्री, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का हर ऑर्बिटल क्या होता है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है, हर ऑर्बिटल एस पी थ्री, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगी। तो साइड आउट आपके क्लियर होगी, बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।